दोस्तों अभी मैं चल पड़ा हूँ जिस तरफ भालू घाटी है। शाम हो गई है तो पूरा भालू घाटी तो नहीं जाऊंगा क्योंकि कभी इस गाड़ी से भालू घाटी गया नहीं और कोई भरोसा नहीं, अटक गई कहीं तो फिर अकेला हूँ गाड़ी में ना, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उस डायरेक्शन में चलता हूँ मैं। एक जगह से दो रास्ते चले जाते हैं, कोशिश करता हूँ अगर वहां तक गाड़ी गई तो वहां तक चलता हूँ मैं। थोड़ा सा कंडीशन भी देख लूंगा, फिर दिन के टाइम पे एक दिन मैं भालू घाटी कोशिश करता हूँ। जैसा पिछले संडे लाइव पे मैंने ये बात बोली थी कि मैं ट्राई करूंगा कि इस गाड़ी से मैं भालू घाटी जाऊं, देखता हूँ। रास्ते की कंडीशन पर डिपेंड करता है, कई बार तो वहां 4x4 भी नहीं जाती, लेकिन अभी वो कंडीशन नहीं होगी कि 4x4 ना जाए, तो देखते हैं। दूसरा एक जानवर होता है जंगली कुत्ता, ढोल। ढोल क्या, डोल होता है एक्चुअली वो तो, और जो नाम एक्चुअली इंग्लिश नेम है लेकिन आया है ये कन्नड़ लैंग्वेज से। कैसे कैसे आया मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताता चलूंगा और अपना जो एक इवनिंग ड्राइव है वो हो जाएगी। तो ये हमेशा हम लोग लेफ्ट को जाते हैं, आज जाएंगे राइट हैंड साइड की। ये वो जगह है जहाँ अक्सर मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके लाइव करता हूँ। कल भी संडे है, कल कल तो मैं लाइव करूँगा देहरादून से। मुझे देहरादून एयरपोर्ट पे जाना है 3 बजे, 2 बजे ही पहुंच जाऊंगा, वहीं से लाइव करूंगा। अब देखिए ये कुत्ता बैठा हुआ है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जंगली कुत्ते के बारे में। आज डैश कैम में माउंट नहीं किया मैंने मोबाइल को इस होल्डर में, इससे क्या है थोड़ा बहुत इजी रहता है घुमाने में। यहाँ कोई तेज स्पीड से तो गाड़ी चलने वाली नहीं है, तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है। तो दोस्तों जो ये डोल होता है, इंडियन डोल, ये जो ये कुत्ता आ रहा है, देखिए कुत्ते के साइज का ही होता है और इसको सोन कुत्ता भी बोलते हैं, वन कुत्ता भी बोलते हैं, राम कुत्ता भी बोलते हैं हिंदी में। और क्योंकि इसको सबसे पहले 1800 के आसपास देखा था एक अंग्रेज ने, कर्नाटका में देखा था, तो ये माना जाता है कि इसका नाम कन्नड़ लैंग्वेज से आया है। कन्नड़ लैंग्वेज में तोला बोलते हैं भेड़िया को, और उससे माना जाता है कि डोल नाम आया है। अब सामने की ब्यूटी देखिए आप, पहाड़, और इसके ही आगे है नीलकंठ महादेव का मंदिर। ये मणिकूट पर्वत चल रहा है, मैंने कई बार बताया कि शिव जी ने जब विषपान किया था तो इस पर्वत पर लेटे थे और इसकी जो सबसे ऊंची जगह थी उस पे नीलकंठ महादेव का मंदिर बनाया गया है। ढोल ज़्यादातर एशिया में पाए जाते हैं, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, रशिया में मिलते हैं, बहुत सारी जगह मिलते हैं, उज किर्गिस्तान में मिलते हैं, यूरोप में भी मिलते थे, यहाँ भूटान में मिलते हैं, म्यांमार में मिलते हैं, बांग्लादेश में मिलते हैं, और थाईलैंड में भी कैमरा ट्रैप्स में कभी रिकॉर्ड हुए थे। अब इसके जगह जगह के हिसाब से बहुत सारे नाम हैं, जैसे वाइल्ड डॉग बोलते हैं, उसके अलावा इंडियन वाइल्ड डॉग बोलते हैं, डोल बोलते हैं, एशिया वाइल्ड डॉग बोलते हैं। वो देखिए पीकॉक कॉल कर रहा है, शाम का टाइम है, वहाँ पे बैठा है गाड़ी में, और इसके ये टाइगर टेरिटरी है जो आपको दिख रही है, ये पूरी टाइगर टेरिटरी है। और इसको विसिल डॉग भी बोलते हैं क्योंकि ये सीटी की आवाज़ निकालते हैं। इनकी कई तरह की आवाज़ होती है, उसमें से एक आवाज़ सीटी की तरह से होती है। रेड डॉग भी बोलते हैं लाल कुत्ता, रेड वोल्फ भी बोलते हैं लाल भेड़िया। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है लेकिन बेसिकली है ये डोल। और ये यूरोप में भी पाए जाते थे और ये माना जाता है कि इस तरह से ये अफ्रीकन वाइल्ड डॉग से भी कनेक्टेड है। तो क्योंकि उसके पास में ये अफ्रीका था तो ये था कि कभी ना कभी ये कनेक्टेड थे अफ्रीकन वाइल्ड डॉग से। बहुत ज़्यादा सोशल एनिमल होते हैं लेकिन भेड़िया की तरह से इनमें इतना ज़्यादा डोमिनेंस नहीं होता। जैसे भेड़िया में है कि एक ही मेल फीमेल ब्रीड करते हैं, बाकी सब सेवक बन के रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें मल्टीपल फीमेल्स होती हैं जो ब्रीडिंग करती हैं, और जो मेल बंदा जो डोमिनेट होता तो है, इनका सरदार होता है जो मुखिया,
उसको आप पहचान नहीं सकते दूर से कि कौन है। भेड़िए में आप पहचान सकते हो, वो अलग ही दिख जाएगा। बाकी देखिए, ये देखिए नाच रहा है, देखिए 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 देखिए, ये छोटे पंख के साथ में मोर नाच रहा है, सामने दिख रहा है। तो उसके पंख ज्यादा नहीं थे लेकिन नाच रहा था मोर। चार पांच फीमेल हैं, अकेला मेल है। और ये बेर की झाड़ियों का जंगल जो हमेशा दिखाता हूँ उसके अंदर की बात है। और इसमें शाम के टाइम आके बैठ जाएंगे टाइगर भाई साहब। तो मैं बता रहा था कि जो इसका मुखिया होता है वो दिखाता नहीं, मतलब शो ऑफ नहीं करता। और भेड़िए में तो होता है, भेड़िए में तो एकदम दूसरे, समझ लो दूसरों की तो कोई औकात ही नहीं होती मुखिया के सामने। इसमें ऐसा नहीं होगा, लीड करता है लेकिन शो नहीं करता। पीकॉक और डांस कर रहा है, मुझे दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बीच में झाड़ी आ रही है। थोड़ा सा आगे जाता हूँ। अच्छा, इसके बड़े पंख हैं, देखिए बहुत सारी पीहन है। वो देखिए कर रहा है, देखिए दिखा, वो दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ये देखिए यहां से दिख रहा है दो झाड़ियों के बीच से, क्योंकि ये मूवी मोड है तो उसमें जूम नहीं होगा, फिल्म मोड है। बिल्कुल बड़ा, बहुत डांस कर रहा है। और ये सारी फीमेल्स घूम रही है, इनको इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है और अभी भी कर रहा है। दो झाड़ियों के बीच में है एकदम। अगर आप टीवी में देख रहे होंगे तो आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि मुझे कट करके मूवी मोड हटाना पड़ेगा इसलिए मैं जूम नहीं कर रहा हूँ। अभी भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। अब वो देखिए घूम रहा है, अब देखिए मेरी तरफ घूम रहा है, आप देखिए बिल्कुल मेरी तरफ घूमा वो। चारों तरफ उसके फीमेल हैं और ये झुंड में शिकार करते हैं। एक्चुअली इनकी इंडिविजुअल ताकत तो कुछ भी नहीं है, एक डोमेस्टिक डॉग भी इनको मार सकता है, अकेले होंगे। और जब ये झुंड में होते हैं, पैक में होते हैं, टाइगर को भी मार देते हैं, हाथी को भी मारने के किस्से हैं। पूरा प्रॉप फुल्ली ग्रोन हाथी नहीं था, उसको भी मार चुके हैं। तो एकता की जो शक्ति, अगर आपने कहावत होती है कि एकता में शक्ति होती है, उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो ढोल है। आप समझ लो इतना कमजोर जानवर जिसको एक कुत्ता मार देता है, वो हाथी को मार दे, वो टाइगर को मार दे अपनी एकता में, ये जानवर है। हालांकि एंडेंजर्ड है, सिर्फ 2500 के आसपास बचे हुए हैं ढोल। क्यों मर रहे हैं? एक तो चलो खाना कम हो गया, खाना तो सारे जानवरों के लिए कम है, टाइगर कैसे बढ़ रहे हैं, खाना तो उनके लिए भी कम हो रहा है, क्योंकि जनरली कंपटीशन नहीं है फूड में, लेकिन फूड एक जैसा ही है। बस फर्क क्या है फूड में कि टाइगर जहां उसमें भारी भरकम जानवर का चुनाव करेगा, ढोल छोटे जानवर का चुनाव करेगा। अगर मान लीजिए सांबर डियर की बात करें तो सांबर डियर का बड़े सांबर को टाइगर मारना पसंद करेगा, ढोल उसके बच्चे को मारना पसंद करेगा। ये फर्क है, लेकिन फूड हैबिट्स एक ही है। तो जब बच्चे, देखिए ये रास्ता जाता है भालू घाटी की तरफ, ये रास्ता जाता है ऊपर, इससे हम कई बार आए, वीडियो बनाया है, ये रास्ता जाता है अपने जंगली रिजॉर्ट के लिए। तो अभी हम बढ़ चले हैं भालू घाटी के रास्ते में, देखते हैं जहां तक जाएगी वहीं तक ले जाएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो अब ये क्यों खत्म हो रहे हैं, मैं ये बोल रहा था आपसे। देखिए एक तो चलिए फूड कम होना एक अलग चीज है, बहुत वो तबड़ी बात नहीं है। कंपटीशन जो भी है टाइगर और लेपर्ड से, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है फूड का, क्योंकि एक बार लेपर्ड से है और लेपर्ड से इनको ज्यादा खतरा है टाइगर के कंपैरिजन में, क्योंकि लेपर्ड इनको मार देता है और वो पेड़ पे चढ़ जाता है जहां ये नहीं चढ़ पाते। टाइगर भी इनको मार देता है अगर ये पूरा इनका पैक नहीं है, एक दो है तो फिर तो कोई एक टाइगर का पंजा इसके लिए काफी है, सिर्फ एक शॉट में चला जाएगा। लेकिन जब ये अपने पैक में होते हैं तो टाइगर इनसे डर के भागता है। और कई केसेस में ऐसा हुआ कि टाइगर पेड़ पे चढ़ जाता है इनसे बचने के लिए। आपको पता है टाइगर पेड़ पे चढ़ सकता है, उतने अच्छे से नहीं चढ़ पाता, कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन जान बचाने के लिए चढ़ जाता है। तो अभी से ही खतरनाक रास्ता आना शुरू हो गया। तो लेपर्ड क्या है कि इनको मारेगा और पेड़ पे चढ़ जाएगा, तो लेपर्ड बहुत मारता है इनको, तो एक खत्म होने की ये वजह है। ये भी लेपर्ड को मार देते हैं, लेकिन
वही है कि लेपर्ड के लिए जहां पे भी घिरेगा इनसे तो आसपास पेड़ जरूर होते हैं। ये भालू को भी मार देते हैं, और भालू को जब ये मारते हैं तो भालू की गुफा का रास्ता रोक लेते हैं। फिर इनका इनकी पॉलिसी किसी भी जानवर को मारने की होती है तो एक फ्रंट से अटैक करेगा, बाकी पीछे से कोई टांग खींचेगा, कोई पूंछ खींचेगा, इस तरीके से मारते हैं। और मारते भी बड़ी दर्दनाक मौत है, चाहे डियर को मारे हैं, किसी को मारे, अगर हिरण के बच्चे को भी मार रहे हैं तो एक उसकी नाक दबा लेगा, बाकी नोच नोच के खाएंगे। ऐसा नहीं कि गला दबा के मार दें। तो अगर छोटा जानवर है तो 2 मिनट में मर जाएगा, और बड़ा जानवर है तो 15 मिनट तक तड़पता रहेगा, 15-20 मिनट तक और ज़्यादा टाइम तक। तो इनको मारने की वो टेक्निक नहीं आती जो टाइगर को आती है या लेपर्ड को भी आती है, तो इसलिए लेपर्ड इन पे थोड़ा सा भारी पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे भी घेरेंगे आसपास पेड़ होगा ही होगा, वो पेड़ पे चढ़ जाएगा, ये नहीं चढ़ पाएंगे। और फिर लेपर्ड इनको मार के पेड़ के ऊपर खींच के लेके जाता है, जैसे वो अपने दूसरे शिकार को लेके जाता है, ऐसे इनको ले जाता है। एक चीज़ और, जैसे कि रैबिस से ही मर जाते हैं जो, क्योंकि है तो डॉग, तो और डोमेस्टिक डॉग से भी इनको डिजीज ट्रांसफ़र हो जाता है। वो कैसे होता है, अगर ये टच में नहीं भी आते तो जो कुत्ते का जूठा कुछ पड़ा होता है डोमेस्टिक डॉग का, और ये खा लेते हैं, तो इनमें डिजीज ट्रांसफ़र हो जाता है, और इनके पास डॉक्टर तो है नहीं, तो ये बहुत बीमार पड़ते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। और जब ये खाना खाते हैं तो जैसे भेड़िए वगैरह में होता है कि ये क्या करते हैं कि खुद जाते हैं शिकार पे, खुद खाना खाते हैं, और अपने बच्चों को, मतलब जो जूनियर होते हैं इनके, उनको छोड़ जाते हैं रखवाली करने के लिए, और फिर ये खाना खा के आके उल्टी कर देते हैं बच्चों के सामने, तो वो फिर बच्चे खाते हैं, भेड़ियों में होता है। इसमें ऐसा नहीं, ये शिकार को मार देते हैं, फिर पहले बच्चे खाएंगे उसके बाद सीनियर्स खाएंगे, इनके अंदर ये परंपरा है। ये तिब्बत में भी पाए जाते हैं और पहले कश्मीर में भी थे, लेकिन अपनी माउंटेन पे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन प्लेन्स में भी मिलते हैं। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि कान्हा नेशनल पार्क सतपुड़ा नेशनल पार्क में है, तो ये बाकी अरुणाचल प्रदेश में है, आसाम में है, मेघालय में है, वेस्ट बंगाल में भी है। अच्छा, ये जैसे कुत्ते भौंकते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, और जैसे भेड़िए हाऊ करके जो हाउल करते हैं वो भी नहीं करते। एक तो विसिल की तरह से आवाज़ निकालते हैं एक दूसरे को, जो कम्युनिकेशन करते हैं, और जब ये शिकार करते हैं तब फिर एक का 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 करके अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं, जैसे एक दूसरे का उत्साह वर्धन कर रहे हो। अच्छा, इनकी जो हंटिंग टेक्निक होती है बड़ी स्ट्रेटजी के साथ बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे स्पीड इनकी होती है करीब 50 किलोमीटर पर आवर की, तो अब अगर जल्दी चेज कर लिया तो ठीक है, अगर देर तक चेज करना पड़ता है तो थक जाएंगे। उसमें क्या करते हैं, पहले एक चेज, मान लीजिए 2-4, 5-5 के ग्रुप अगर चेज कर रहे हैं, वो सामने लंगूर बैठा हुआ है, तो पहले 5 लीड करेंगे, बाकी स्लो चलते रहेंगे, अपनी एनर्जी बचा के रखेंगे। जो जानवर भाग रहा है वो तो पूरी ताकत से भाग रहा है, थक रहा है, फिर दूसरे 5 आगे लीड कर लेंगे, और जो थक चुके हैं थोड़ा पीछे हो जाएंगे, पोजिशन चेंज करते रहते हैं। तो अगर इनको घंटों चेज करना पड़े तो ये अपनी पोजिशन चेंज करते हैं, और शिकार थक के चूर चूर हो जाता है, और फिर ये उसको गिरा के मार देते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, जैसे भेड़िए होते हैं, देखिए दोस्तों ये ब्यूटी है भालू घाटी की। अभी रास्ता भालू घाटी का है और आप देख रहे हो अलग ही माहौल हो गया है, अभी तक तो गाड़ी जा रही है अपनी। तो जैसे भेड़िए है पूरे झुंड में ही शिकार करेंगे, ये क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी गोरिल्ला युद्ध कि जैसे झुंड है अब वो शिकार है, तो 5-5 के ग्रुप बना के अलग अलग चले जाएंगे, होने को 12 होते हैं एक ग्रुप में, 40-40 के भी इनके पैक देखे गए हैं। तो ये अपना 5-5 के झुंड बना के अलग अलग शिकार करके घेर ले, जिस तरह का शिकार होता है, अगर छोटा शिकार है तो 5 में ही कर लेंगे, और अगर बड़ा है तो फिर अलग अलग लोगों को बुला के, और फिर एक जगह से अटैक करेंगे, एक जगह से दूसरा सडनली सामने आ जाएगा, और ये एक दूसरे को जो मैसेज पास करेंगे वो विसिल से करेंगे, और एक दूसरे को जो अपना अफेक्शन शो करते हैं चाट के, और जो टकरा के जैसे कुछ टेल हिला के टेल को स्ट्रेट कर लेते हैं, वो जो एक डॉग का बिहेवियर है कुछ कुछ वैसा ही बिहेवियर इनका होता है एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए। ये मैं गाड़ी के ऊपर से व्यू दिखाता हूँ आपको, 360 डिग्री व्यू, ये देखिए अभी तो भालू घाटी वाले रास्ते की शुरुआत है केवल, ये देखिए ये घाटी से शुरू हो जाती है और धीरे 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 ये सकरा होता जाता है। अभी मैंने कैमरा बाहर निकाल दिया, इसीलिए मैं माइक लगा के आया था कि साउंड डिस्टर्ब ना हो तो आपको क्लियर व्यू आएगा, और ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई, मैं इतनी देर से विंडशील्ड के अंदर से क्यों दिखा रहा था।
इसमें अच्छा इनका क्या होता है, जो मेटिंग पीरियड होता है वो होता है आपका अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, और बस यही है और क्या है। तो बड़ा ही खतरनाक जानवर है, लेकिन ये आदमी के लिए खतरा नहीं है, ये आदमी से डरता है। जो ढोल है, जैसे भेड़िए होते हैं ना, कि आपने सुना है कि मैन ईटर ऑफ वोल्स, मेरी एक स्टोरी है आस्टा के मैन ईटर ऑफ आस्टा के आदमखोर, आप लिखोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा। तो ये आदमखोर नहीं होते इंसान, ये टाइगर से नहीं डरते, ये हाथी से नहीं डरते, भालू से नहीं डरते, लेकिन डरते हैं तो आदमी से। अब यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था भालू घाटी में दो रास्ते बन जाते हैं, राइट हैंड साइड में भालू घाटी है और ये रास्ता भी बड़ा खूबसूरत है जो लेफ्ट को जा रहा है। तो अभी मैं राइट को चल के देखता हूँ भालू घाटी की तरफ कहाँ तक जा पाता हूँ, इसमें भी आपको लेके चलूंगा। मैं गया हुआ, बहुत सुंदर जगह, मतलब औसम, जब मैं जिप्सी थी मेरे पास तब तो मैं समझ लो कि रोज दोपहर को आता था। ये देखिए ट्रैक्टर आ रहा है यहाँ सामने से, यहाँ पे एक बार मुझे अब लगी नीचे, यहाँ पर मुझे जंगली सुअरों का झुंड मिला था, और एक बार यहाँ पे विद फैमिली में जिप्सी से आया था तो मुझे लगा कि लेपर्ड बैठा है, आंखें चमक रही थी, बहुत देर तक मैं जिप्सी रोक के रहा और उसके बाद मुझे मालूम चला कि वो लेपर्ड नहीं था, नाइट जार था। ये शुभम, ये साइड दे दो, सोहनलाल जी का बेटा है ये ट्रैक्टर पे, लेकिन यहाँ इतनी जगह ही नहीं है कि मैं साइड दे सकूं, तो मैंने एक साइड गाड़ी दबा ली। अभी अभी पुष्कर का फोन आ गया दोस्तों कि दूध लेके आ रहा है, अभी गेस्ट आ रहे थे, दूध खत्म है, तो यही जो ये ट्रैक्टर में था ना, ये सोहनलाल जी के बेटा, इन्हीं की दुकान पे जाना है मुझे दूध लेने। लेकिन अब यहाँ तक आ गया हूँ तो थोड़ा आगे तक चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक गाड़ी जा रही है। तो ये देखिए आप नज़ारा भालू घाटी का, मतलब ये एग्जैक्ट भालू घाटी नहीं है, अभी शुरुआत है, अब थोड़ा थोड़ा लगनी शुरू हो गई नीचे को। लेकिन पिछली लाइव में मैंने बोला था कि उन्होंने पूछा था कि XUV 500 भालू घाटी चली जाएगी क्या, तो मैंने कहा था भाई साहब ये भी जाएगी सेलेरियो, आप चिंता मत करो। तो देखो भालू घाटी के मुहाने पे तो हम इसको लेके आई गए, मैंने कहा था चलती है गाड़ी चलाने वाला चाहिए, जब तक मारुति वाले मुझे अवार्ड नहीं देते तब तक अपनी कोशिशें जारी रहेंगी। इधर का व्यू देखो आप, ये देखो ये अभी ट्रैक्टर का रास्ता बना हुआ है, लेकिन बीच बीच में कई जगह पे उठे हुए वो आ रहे हैं। और ये नदी है, यहीं पे भालू की गुफा है, मेरी थी, लेकिन उसमें एक बार जब बाढ़ आई थी तो रेत भर गई थी, तो हवा चल रही है, मेरे माइक पे भी हवा लग रही होगी। लेकिन ये देखिए मैं आपको राइट हैंड साइड पर दिखाता हूँ वो एक गुफा कहाँ थी। देखिए यहाँ पे कई गुफाएं थी, लेकिन एक वो थी जो कहाँ गई, वो ये है ना, सही पॉइंट कर रहा ना, ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पे भालू की केव या डेन थी, लेकिन एक बार नदी का पानी बहुत ज्यादा आया तो ये सारी रेत उसके अंदर घुस गई है। अब ये दिक्कत है कि मैं बैक कहाँ से करूंगा, ये जो मिट्टी है ना ये इसमें टायर फंस जाएंगे, ये बड़ी रेत टाइप की मिट्टी है, नदी की रेत है, अगर इधर उधर मैंने उतारी ना तो ट्रैक्टर भी चला गया है, यहाँ कौन आएगा फोन करके ही बुलाना पड़ेगा कि नेटवर्क होगा तो, लेकिन चलो जो होगा तो देखा जाएगा।
अभी अंधेरा नहीं हो रहा है। इसमें एक जगह बड़ा ही खतरनाक मोड़ आता है। अब देखिए ये जो रास्ता, ये जो है ना पूरी रेत है, इसमें गाड़ी फंस सकती है, लेकिन देखते हैं। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि तो वहां पहुंचे विक्की। लगी लगी, इसमें टायर चढ़ा दूंगा तो नहीं लगेगी ये, लेकिन फंस सकती है भाई। अब जैसे रेत में होती वैसे घूम रही है। यहाँ लगी आवाज आई आप लोग को? ये पूरी रेत ही रेत है। ये देखिए इधर की ब्यूटी देखिए आप, एक बार 360 डिग्री व्यू। ये देखिए, ये देखिए, ये चारों तरफ से घाटी शुरू हो गई और ये लैंडस्लाइड हुआ हुआ सामने। और ये लेपर्ड का फेवरेट अड्डा है भालू घाटी, यहाँ पेड़ों पे लेपर्ड बैठा ही बैठा होगा क्योंकि पब्लिक आती नहीं। आगे कुछ घर है पहाड़ के ऊपर, तो वो ये शॉर्टकट रूट यूज किया जाता है। तो ट्रैक्टर जैसे आ रहा था या कोई कभी आ गया, ओह लगा। देखिए ये जो सामने देखिए ये सीन, अब ये मुझे टेंशन ये हो रहा है, यहां मैं बैक नहीं कर सकता। एक एक टायर ऊपर चढ़ा देता हूं ना तो निकल जाती है, वरना लग जाएगी। अब देखिए ये आ गई वो खतरनाक जगह। ये देखिए इधर इधर का सीन देखिए। अब यहाँ रोकनी नहीं है, रोकने से क्या है कि वो टायर फंस जाएंगे। अब यार ये यहाँ चलो चलता हूँ, बैक नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। एक टायर ऊपर चढ़ाना पड़ता है। देखिए इस साइड देखिए, ये देखिए नीचे का ये खतरनाक जगह जहां टर्न लेते हैं ना, ये देखिए। ये बड़ा खतरनाक जगह है। यहां तो एक बार बारिश के बाद का सीन है, ओह जिप्सी भी फंस गई थी। ये देखिए खतरों के खिलाड़ी, मारुति सिलेरियो इन भालू घाटी। ये देखिए इसके आगे तो भाई साहब गड़बड़ है। देखूं आगे जाके, बैक नहीं होगी लेकिन। आगे अब दिख नहीं रहा कुछ। बड़े बड़े पत्थर है। मेरा हाथ दुख गया फोन पकड़े पकड़े। अभी पिछले लाइव में किसी ने कहा था कि आप सिलेरियो पे जुल्म कर रहे हो, मैंने कहा नहीं भाई अपनी सिलेरियो तो एंजॉय करती है। थोड़ा इस साइड से नजारा देखिए, ऊपर का देखिए आप।
दोस्तों बीच जगह पे ट्रैक्टर खड़ा है, कोई पेड़ गिर गया था तो उसकी लोडिंग चल रही है, तो हम हार के नहीं लौट रहे, हम गिव अप कर रहे हैं क्योंकि रास्ता बंद है। तो दोस्तों मैंने बैक कर लिया, आप देख रहे हो पीछे ये ट्रैक्टर था, और उन्होंने मुझसे पूछा कि हटा दूं क्या। मैं रहने दो भाई, नहीं हटाओ। रीजन बताऊं क्या था, मैंने सोचा यहाँ मजदूर हैं, यहाँ मैं बैक कर लूंगा ना तो आसानी से हो जाएगी, फंसेगी तो धक्का मार देंगे, ये रीजन था। कि आगे मुझे बैक करने की जगह समझ में नहीं आती है, जो आप देख रहे हो ना ये बड़ी भुरभुरी सी रेतीली है, आप देखो सामने रेत ही रेत है, ये पत्थर दिख रहे हैं एक्चुअली ये रेत है, आप देख रहे हो ना, इसमें गाड़ी का टायर नीचे उतारना और फंस जाएगी ये, तो इसलिए रास्ता बंद तो एक बहाना था, मुझे जगह मिल गई जहां से मैं बैक कर सकता था। लेकिन आप समझ लो कि मैं 50% भालू घाटी में आ गया था, 100% भी जा सकता हूँ, अगली बार किसी को लेके आऊंगा साथ में, क्योंकि शाम हो रही है, बात शाम की भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि मुझे दूध लेने जाना है, गेस्ट आया और रिजॉर्ट में दूध खत्म है। एक्चुअली जो गेस्ट है ये प्रीपोन कर लिया इन्होंने, इनकी बुकिंग थी एक मिनट, ये पत्थर लग जाएगा ना, ये वाला, ये जो पत्थर है ये लग जाएगा, तो इसको निकाल लो, पिछला टायर चढ़ जाएगा इस पे, आगे भी बड़ा पत्थर है, ये आगे ये पत्थर है, तो इनकी बुकिंग थी 6 to 8 थी मेरे ख्याल से, तो इन्होंने फोन किया स्टाफ को कि हम प्री फोन कर लें, रूम की अवेलेबिलिटी थी, तो मैंने कहा कर लो, तो आज ही ये बात हुई है। तो उसके चलते नहीं, बात तो कल शाम को हो गई थी, लेकिन जो अगर स्टाफ जाता ना तो दोपहर के 2-3 बजे तक वापस नहीं आ सकता। एक गाड़ी जो यहाँ कई बोलेरो चलती हैं, वो देखिए मून देखिए, तो कई बोलेरो चलती हैं उसमें से एक शेखर की चलती है, उसको पुष्कर ने बोल दिया था कि ये सामान ले आओ, और वो गया ही नहीं, किसी कारण से उसको प्रॉब्लम आ गई, इसके चलते दूध नहीं आ पाया, तो मुझे जाना है। सामने देखिए लैंडस्लाइड हुआ है और थोड़ा सा पत्थर है, नीचे ना लग जाए, और डर एक्चुअली बॉडी का नहीं टंकी का होता है, टंकी में लग जाएगा तो लीक कर जाएगी टंकी। लेकिन आप देखिए मजा आ रहा है, देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, कई सारे वो देखिए गाड़ी आ गई एक, आज तुम गए नहीं ऋषिकेश? अच्छा, आज भी मिले मुझे 8-10। 8-10 मिले? वो डेढ़ दांत वाला तो नहीं मिला? वही है निकर थे जिसे नहीं, बगल में काफी देर तक थे हमें। किधर किधर था ये? जहाँ पर अंदर नहीं घुसते जंगल को। हाँ उसी टाइम। अच्छा उधर ही वहीं पे, तो वहाँ तुम्हारे गेस्ट भी आए? आपको नीचे चले गए थे उस दिन। कहाँ? आज मिला आपको। हाँ उस दिन वहाँ भी चले गए, वापस चले गए थे। तुमने वीडियो देखा क्या? आज आज देखा मैंने आपका, मैंने वीडियो भेजा। ठीक है चलो, ठीक है। ये देखिए पेड़ गिरा है, आवाज आई। बचपन में बुंदेलखंड में हम लोग थे, तो वहां कोई बोलता था बैक कर रहा हूँ पीछे बताना, तो लोग बोलते थे वहां की लैंग्वेज आन दो आन दो आन दो, टक्कर होगी तो आवाज आएगी, तो यहाँ बड़ी आवाज आ रही है। वो देखिए घना जंगल, चंद्रमा, फोकस में प्रॉब्लम है, हिल रहा है ना इसलिए, आप देखो आप इस साइड का व्यू देखो, हाथ दुख गया राइट वाला, इसलिए लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया।
अगर आप नेचर लवर है ना तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। डेंस फॉरेस्ट, हिल्स, घाटी, सब कुछ है यहाँ पर। देखिए पेड़ कैसे लटका हुआ है, बिल्कुल जड़ें जरा सी पकड़ी हुई है इसने, और हम इसके नीचे से ही निकल के जा रहे हैं। देखिए ये देखिए, कभी भी गिर सकता है, जरा सा अटका हुआ है। अगली बाढ़ में ये काला वाला पेड़ चला जाएगा। और जिस टाइम पे बारिश होती है ना, तो जब पानी आता है एकदम फ्लो में आता है, बहुत ज्यादा पानी आता है, कई बार दो तीन बार तो केसेस हुए हैं बादल फटने के। ये उसी का नमूना दिख रहा है आपको, नमूना नहीं निशानी। तो एक तरह से देखा जाए तो नदी में गाड़ी चल रही है, दोनों तरफ पहाड़ है। इस वक्त तो एक गाना याद आ गया, थोड़ा सा गा ही देता हूं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। इस मुकाम पे कदम जमाने नहीं है, चलाना ही चलाना है। और ये वो जो देखिए एक डेल्टा है, आइलैंड है, देखिए इसके चारों तरफ से नदी है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि मुझे काफी बड़ा साउंडर मिला था वाइल्ड बोर का, और एक बार मैं विद फैमिली बच्चों के साथ आया था जिप्सी लेके, शाम हो गई थी, अंधेरा सा हो गया था, और यही गाड़ी रोकी तो लाल लाल आंखें चमक रही थी। मैंने गाड़ी घुमाई उस तरफ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाई, काफ़ी देर तक तो मैंने कहा यार ये लेपर्ड बैठा है, और वो था, बाद में देखा तो उड़ गया एकदम से, वो था नाइट जार। और नाइट जार की जो आंखें एकदम लाल रंग की चमकती हैं, तो एकदम लग रहा था कि लेपर्ड बैठा है, एक आंख उसकी पीछे है पत्थर के, एक आंख दिख रही है। यही जगह थी वो, मेरी गाड़ी वो सामने थी उधर, और यहाँ ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ के यहाँ पे वो बैठा हुआ था। बस हम लेफ्ट टर्न लेंगे और भालू घाटी से हम बाहर आ जाएंगे, और बस फिर इस वीडियो को मैं एंड कर देता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ दुख चुका है थोड़ा सा। देखिए टायर कैसे चल रहा है, और इसके साथ ही हम आ गए बाहर भालू घाटी से। तो दोस्तों आपको बताया वाइल्ड बोर के बारे में, और भालू घाटी की ड्राइव दिखाई, वो भी सिलेरियो से, इसके बावजूद मुझे नहीं मिला अवार्ड मारुति से। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम, आवाज़ आ गई।